उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। जन जन के सम्मान में भाई विपिन चौधरी है मैदान में। जमालपुर कला से प्रधान पद हेतु कर्मठ जुझारू शिक्षित उम्मीदवार विपिन चौधरी काका राजा राज राणा हरिद्वार जनपद में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की तिथि नजदीक आते आते चुनाव प्रचार जोर पकड़ा गया। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने में जुटे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे इस प्रचार का आलम यह जनसंपर्क प्रारंभ करते हैं जो देर रात तक अनवरत जारी रहता है। प्रत्याशियों के दमखम यह मामला जिला पंचायत सीट तक ही सीमित नहीं है। प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी गंभीरता के साथ अपने प्रचार में जुटे हैं। हैदराबाद ब्लॉक के जमालपुर कला में प्रधान पद का चुनाव दावेदारी कर रहे विपिन चौधरी उर्फ काका राज राणा ऐसे ही प्रत्याशियों में से एक हैं, जो दिन रात डोर टू डोर जन संपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से सीधा संपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। विपिन चौधरी उर्फ काका राज राणा प्रधान पद उम्मीदवार ने बताया कि अगर हम प्रधान पद सामने हासिल कर लेते हैं तो हम जमालपुर गाँव में एक अच्छी शिक्षा और एक एम्बुलेंस सेवा और गाँव की साफ सफाई अन्य कार्यों में जमालपुर कला गाँव में मौजूदा रूप से नहीं हुए हैं, वहाँ हम सफलतापूर्ण उनकी व्यवस्था करेंगे। जमालपुर कला गांव के मतदाता श्री विपिन चौधरी उर्फ काका राज राणा जी का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। वो आपके ग्राम के विकास के मुद्दे, सबसे पहले उनपे आप क्या क्या कदम उठाएंगे और क्या क्या रणनीति रहेगी, इस बारे में बताएंगे आप। पहला तो हमारा विकास के लिए मुद्दा ये है कि हम पहले शिक्षा का स्तर अपने यहाँ पर गांव में, क्योंकि हमारे गांव की आबादी लगभग वोटर ही 10,000 हैं, तो आबादी लगभग 25-30,000 की होगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ स्कूल है वो इंटर तक हो, उसे मान्यता इंटर तक मिले, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूल में, जी भी स्कूल में हमारे यहाँ से एक बच्चे ने टॉपर किया है उत्तराखंड में, शायद एक हाल से तीसरा या दूसरा नंबर है उस गुड़िया का जिले में, हमारे जिले में हरिद्वार में। तो हमारे स्कूल का स्तर ये जैसा, तो उनके बच्चों का अगर इंटर तो हुआ तो उन्हें व्यवस्था ही मिल जाए पढ़ने के, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े सबसे पहले तो ये। फिर हमारा कॉलोनियों में जो पानी की निकासी है कॉलोनियों में, उसकी व्यवस्था करना, उनकी भी बहुत बड़ी समस्या होगी कॉलोनियों में पानी की, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है जमालपुर, जितनी नई कॉलोनी कट गई आबादी बढ़ती जा रही है और उनकी सड़कों की बदहाल स्थिति है। हाँ, सड़कों की कॉलोनियों में ही बदहाल स्थिति है, गांव में तो लगभग ठीक है, गांव में थोड़ी सी सड़कें खराब हैं। जो हमारी प्राथमिकता है अगर हम चुन गए तो सबसे पहले ये ही सड़कों का और नालियों का और पानी की निकासी का विकास होगा। प्रधान जी, एक और मुद्दा है, आते जा रहे हैं आबादी, इसके विषय में कुछ कोई नहीं कर पा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके विषय में यह कहूँगा, क्योंकि एक ये हमारा पशु है, लोगों ने गाय पाल गए, तो हमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है पंचायत के लिए, जो कि फ्री चलेगी, बिल्कुल एक टोल फ्री नंबर होगा, उस पर हमारे गांव की तरफ से जारी होगा वो नंबर, कुछ उसकी व्यवस्था कर देंगे कॉलोनी के लिए और गांव के लिए, वो बिल्कुल फ्री एम्बुलेंस व्यवस्था रहेगी हमारे तरफ से। ये प्रधान जी की बहुत अच्छी सोच है। और एक मैं आपसे बात करूँगा, जो यहाँ का आपका ये कूड़ा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, सब ऐसे सड़कों पर पड़ा रहता है, साइडों में पड़ा रहता है, उससे गंदगी बहुत होती है। हाँ, इसकी मेन समस्या था कि आपकी 1.5 साल हो गए लगभग प्रधान जी भी प्रशासन हाथ में वो चला रहा, अपना रिसीवर उन्होंने उनका रिसीवर है नियुक्त किया हुआ है, उससे चले। अच्छा, हमारी पंचायत ग्राम जो मालपुर कला इतना बड़ा क्षेत्रफल हो चुका है और एक पंचायत को मात्र एक ट्रैक्टर मिला हुआ है छोटे वाला सफाई अभियान के लिए, वो भी छोटा है, तो इसकी हमने एक व्यवस्था और की, अगर हम आए तो एक व्यवस्था ये करेंगे, एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली हो और वो कॉलोनियों पर रहे, छोटा ट्रैक्टर गांव के लिए रहे, तो इससे व्यवस्था ये होगी कि कूड़ा घर से डोर टू डोर उठाया जाए और सीधा, जैसे कि नगर निगम का जो प्लांट लगा हुआ है सराय में, वहाँ पर हम कूड़े की व्यवस्था ये करते हैं कि कूड़ा वहाँ पर पहुँचे। हरिद्वार से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।